Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about some small sentences. जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि verb की first form की मदद से जो है आप बहुत सारे sentence बना सकते हैं, और ये छोटे छोटे sentences हैं, इसमें आपको ज़्यादा grammar की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से जो है अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते होंगे. ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसमें सिर्फ आपको verb की first form की ज़रूरत है. तो मैंने पिछले एक वीडियोस के अंदर गो, कम एंड ड्राइव, ड्रिंक, ईट, इन सब से मैंने जो है सेंटेंस बनाए थे. आज हम देख रहे हैं वेट, लेट्स, लेट, राइट, रीड, स्लोली, फास्ट, प्रॉपरली, कॉन्फिडेंटली, केयरफुली, और कुछ मैंने मिक्स सेंटेंसेस यहाँ पर रखे हैं जो हमारे दिनचर्या में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. इन सभी वाक्यों की मदद से जो है आप अपनी फर्स्ट बेसिक लैंग्वेज की शुरुआत कर सकते हैं. ये छोटे छोटे से सेंटेंस हैं और आपकी शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. यही सेंटेंस आगे चलकर आप बड़े कर सकते हैं और फिर अपनी भाषा को बना सकते हैं आप कंप्लीट. तो यह चैप्टर मैं अपनी बुक में से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश. यदि आपके पास मेरी बुक है तो पेज नंबर 16 और 17 पर इस चैप्टर को आप देख सकते हैं. और यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ये अमेज़न पर अवेलेबल है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश नाम से. मैं अपनी बुक में से ही इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे किस रूप में दिया है. आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, स्टडी सेंटर से भी आप इसे ले सकते हैं. इसमें 248 पेजेस हैं, A4 इसका साइज़ है, और इसमें मैंने हिंदी में सभी चैप्टर को एक्सप्लेन किया हैगा. इसमें आपको वर्ब, डेली लाइफ सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल, ऑक्सिलरी, सभी चीज़ों को मैंने रखा है जो इंग्लिश बोलने, समझने और लिखने के लिए ज़रूरी होती है. और साथ ही मैंने सभी चैप्टर्स को हिंदी में भी दिया है. इसमें मैंने कॉन्वर्सेशन का एक बड़ा हिस्सा बनाया है जो आपके स्पीकिंग पावर को आसानी से डेवलप कर देगा. तो चलिए अभी हम देखते हैं सम डेली लाइफ स्मॉल सेंटेंसेस. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. सबसे पहला वर्ड है वेट. जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने बी, फ्राई, कीप ऑन, कीप, गो ऑन, स्टार्ट, स्टॉप, चेंज, इंजॉय, डू से बने हुए कुछ जो हैं छोटे छोटे से सेंटेंसेस देखे थे. आज हम शुरू करते हैं वेट के साथ. किसी व्यक्ति को आपको रुकने के लिए कहना है, इंतज़ार करने के लिए कहना है, तो आप उसे सिंपल वन वर्ड में बोल सकते हैं वेट, मतलब रुको. वेट फॉर 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट रुको. वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको. लड़का है तो हिम यूज़ करेंगे, लड़की के लिए हर. हमारे लिए होता है अस और उनके लिए होता है देम. ज़रूर याद रखें आप, हिम, हर, हमारे लिए अस और उनके लिए एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो देम का भी यूज़ करते हैं. वेट फॉर द बस, बस के लिए रुको. यहाँ के लिए हो जाएगा वेट हियर, वहाँ के लिए हो गया वेट देयर. बाहर रुको के लिए हो जाएगा वेट आउटसाइड, अंदर के लिए हो गया वेट इनसाइड, वेट इनसाइड द रूम. देख, आप देख सकते हैं इसे छोटा छोटा कर आप बड़े कर सकते हैं आपस में जोड़कर. वेट इनसाइड द रूम फॉर 2 मिनट्स, कमरे के अंदर 2 मिनट मेरा इंतज़ार करो. आई एम कमिंग, मैं जस्ट आ रहा हूँ. वेट एट बस स्टैंड, बस स्टैंड पर रुको. आई एम कमिंग टू टेक यू, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ. इस तरह से एक से दो सेंटेंसेस को जोड़कर आप आसानी से बड़ा भी कर पाएंगे. वेट टिल 5 o'clock, टिल मतलब होता है तक. कुछ छोटे छोटे से नए शब्द भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, इन्हें ज़रूर याद रखें आप, आगे चलकर आपकी ये भाषा को जोड़ने में बहुत मदद करेंगे. तो 5 बजे तक रुको. वेट फॉर रिजल्ट, नतीजे के लिए रुको. वेट अनटिल आई कम, मेरे आने तक रुको. टिल और अनटिल दोनों का ही एक मीनिंग होता है तक, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. जब समय निश्चित होता है तो फिर टिल का यूज़ करते हैं, और समय अनिश्चित है तो फिर अनटिल का यूज़ करते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कहा है 5 बजे तक, तो यहाँ समय दिया हुआ है इसलिए टिल का यूज़ किया है हमने, और यहाँ लिखा है वेट अनटिल आई कम, इंतज़ार करो जब तक मैं आता नहीं हूँ. तो यहाँ पर जो है हमने टाइम नहीं बताया है आने का, इसलिए अनटिल का यूज़ किया है. मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में बनाया है एक लिस्ट, जिसमें कन्फ्यूजन और डिफरेंस मैंने एक कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें इन छोटे छोटे से डाउट्स को मैंने क्लियर किया है. ये सही इंग्लिश बोलने और लिखने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे. तो याद रखिए टिल और अनटिल दोनों में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट वर्ड है लेट्स. लेट्स का मतलब होता है चलो. लेट्स गो, चलो चलें. लेट्स कम, चलो आओ. लेट्स ईट, चलो खाओ या खाएं, आप दोनों में से जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं. लेट्स एंजॉय द पार्टी, चलो पार्टी के मज़े करें. लेट्स गो टू द पार्टी, चलो पार्टी में चलें. लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, चलो पिकनिक पर चलें. बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होता है ये वर्ड. लेट्स वर्क, चलो काम करें. सब लोग आ गए हैं और काम शुरू करना है तो आप बोल सकते हैं लेट्स स्टार्ट द वर्क.
या लेट्स वर्क, लेट्स कम विथ मी, चलो मेरे साथ आओ, लेट्स प्ले विथ मी, चलो मेरे साथ खेलो। इस तरह से जो है लेट्स का आप प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। अगला वर्ड है लेट। लेट्स और लेट दोनों में अंतर है, इस बात को ज़रूर आप याद रखें। लेट्स का मतलब होता है चलो करें, और लेट का मतलब होता है करने दो। इसे ज़रूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देख सकते हैं लेट मी गो, लेट मी गो मतलब हो गया मुझे जाने दो। आपको देर हो रही है, आप कहना चाहते हैं कि मुझे जाने दो, तो हो जाएगा यहाँ पर लेट मी गो। यदि किसी लड़की के लिए आपको बोलना है तो फिर होगा लेट हिम गो, उसे जाने दो। लड़की के लिए लेट हर गो, हमारे लिए लेट अस गो, उनके लिए लेट देम गो। देम का प्रयोग हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। यहाँ मैंने दिया है, यहाँ कोई भी वर्ब चेंज करना है, सिर्फ आपको गो की जगह आप वर्ब चेंज करते जाइए, आप हजारों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, उसे के लिए हिम हर अस देम, सिर्फ एक वर्ब चेंज किया है हमने और कुछ भी नहीं। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। अभी मम्मी सुबह सुबह जगाती है तो आप सबसे पहले यही कहते हैं मम्मी मुझे सोने दो, आप बोल सकते हैं लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। मुझे काम करने दो तो हो जाएगा लेट मी वर्क, उसे काम करने दो तो लेट हिम, लड़की है तो लेट हर वर्क। हमें काम करने दो, कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप बोल सकते हैं लेट अस वर्क, डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत करो। ऐसे एक से दो सेंटेंसेस को जोड़कर आप जो है आसानी से अपना लैंग्वेज पूरा कर सकते हैं, भाषा बना सकते हैं। मना करना है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत आसान है, सिर्फ आगे की तरफ डोंट का यूज़ करना है। डोंट लेट मी गो, जाने दो तो लेट मी गो, मुझे मत जाने दो तो डोंट लेट मी गो। डोंट लगाकर आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं सभी के साथ। बस इस बात का ज़रूर याद रखें आप, हिम का प्रयोग जो होता है लड़की के लिए, लड़की के लिए हर, हमारे लिए अस, और उनके लिए होता है देम। आप यदि यहाँ किसी व्यक्ति का नाम लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेट रवि प्ले, रवि को खेलने दो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर राइट। राइट का मतलब होता है लिखो। राइट ब्यूटीफुली, कोई ढंग से नहीं लिख रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं राइट ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मतलब हो गया सुंदरता से लिखो। राइट क्लियरली, साफ लिखो। राइट केयरफुली, ध्यान से लिखो, कोई गलती कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं राइट ऑन द पेपर, राइट इन द बुक, राइट ऑन द टॉप ऊपर की तरफ लिखो, राइट एट द डाउन साइड नीचे की तरफ लिखो, राइट फ्रॉम द कॉर्नर कोने में से लिखो, राइट वन पेज डेली एक पेज रोज लिखो, राइट एंड शो मी लिखो और मुझे दिखाओ। आप घर में देख सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने बच्चे को होमवर्क दिया है, आप उसे बोल सकते हैं राइट एंड शो मी लिखो और मुझे दिखाओ, राइट एंड ब्रिंग हियर लिखो और यहाँ मेरे पास लेकर आओ। दो वर्ब को हमने जोड़ दिया है यहाँ पर, राइट ब्रिंग, राइट एंड गेट इट चेक्ड बाय सर, लिखो और सर से चेक करवाओ। जब हम कोई काम दूसरों से करवाते हैं तो फिर हम उसमें गेट का यूज़ करते हैं, जैसे हम पॉजिटिव टेंस कहते हैं, इसका आप एक अलग से वीडियो है वहाँ देख सकते हैं। गेट इट चेक्ड बाय सर, इसे सर से चेक करवाओ। जब हम दूसरे से कोई काम करवाते हैं तो गेट का यूज़ करते हैं, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चेक्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है रीड। रीड मतलब हो गया पढ़ो। रीड लाउडली, ज़ोर से पढ़ो, कोई धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो आप उसे बोल सकते हैं रीड लाउडली। रीड स्लोली, रीड क्लियरली, साफ उच्चारण नहीं हो रहा है किसी का तो आप बोल सकते हैं रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ो। रीड वन पेज डेली, एक पेज रोज पढ़ो। रीड पेज नंबर 10, रीड वन बाय वन, वन बाय वन मतलब एक एक करके पढ़ो। रीड न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ो। रीड बुक्स, किताबें पढ़ो। रीड द लेटर, लेटर पढ़ें। रीड स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबें पढ़ें। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्राइव, धीरे चलाने के लिए हो गया ड्राइव स्लोली। यहाँ मैंने सारे स्लोली से बनाए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वर्ड जो है यूज़ होता है, ध्यान रखें आप। ड्रिंक स्लोली मतलब धीरे पियो, स्पीक स्लोली, ईट स्लोली, वॉक स्लोली, कोई तेज़ी से चल रहा है आप उसे बोल सकते हैं वॉक स्लोली। मूव स्लोली, टॉक स्लोली, डू इट स्लोली, इस काम को धीरे करो। और इसी का उल्टा हो गया फास्ट, ड्राइव फास्ट, ड्रिंक फास्ट, स्पीक फास्ट, ईट फास्ट, देर हो रही है,
वॉक फास्ट, मूव फास्ट, टॉक फास्ट, डू इट फास्ट। धीरे के लिए स्लोली और जल्दी के लिए फास्ट। एक वर्ड और बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है प्रॉपरली, सही ढंग से। ड्राइव प्रॉपरली, ड्रिंक प्रॉपरली, स्पीक प्रॉपरली, ईट स्लोली प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली, रीड प्रॉपरली, राइट प्रॉपरली, सही ढंग से लिखो, सही ढंग से बात करो, सिट प्रॉपरली, सही ढंग से बैठो। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली ये भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। ड्राइव कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से चलाओ। स्पीक कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से बोलो। टॉक कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से बात करो। वर्क कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से काम करो। फाइट कॉन्फिडेंटली, आंसर कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट है केयरफुली, ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। सिर्फ वर्ब के आगे आपको यूज़ करना है, ये एडवर्ब है। जब एलवाई लग जाता है तो एडवर्ब बन जाता है वो वर्ड। अब यहाँ देख सकते हैं सभी में एलवाई ये दिया हुआ है मैक्सिमम। तो ड्राइव केयरफुली मतलब ध्यान से चलाओ। स्पीक केयरफुली, ध्यान से बोलो। ईट केयरफुली, ध्यान से खाओ। वॉक केयरफुली, रीड केयरफुली, राइट केयरफुली। आप देख सकते हैं वर्ब के बाद बस यूज़ करना है आपको। टॉक केयरफुली, सिट प्रॉपरली, ये चेयर टूटा हुआ है, ध्यान से बैठो इस पर। इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ मिक्स दिए हैं। होप फॉर द बेस्ट, अच्छे की उम्मीद करो। बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप बोल सकते हैं कोई व्यक्ति निराश हो रहा है तो। गेट रेडी सून, जल्दी तैयार हो जाओ। गेट अप फास्ट, जल्दी उठो। व्हाट हैपन, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में। व्हाट हैपन, लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। आस्क, पूछो। आस्क फास्ट, जल्दी पूछो। आस्क वंस मोर, एक बार फिर से पूछो। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो। आस्क हिम, उससे पूछो। लड़की ये तो हो जाएगा हर। शो मी योर बुक, अपनी किताब बताओ। शो मी योर ड्रेस, मुझे अपने कपड़े दिखाओ। शो मी दिस, मुझे यह दिखाओ। नेक्स्ट, थ्रो द गार्बेज इंटू डस्टबिन, कचरे को जो है डस्टबिन में फेंको या डालो। थ्रो मतलब हो गया फेंकना है और गार्बेज मतलब होता है कचरा। कुछ अच्छे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प हिम, लड़की है तो हर, उसकी मदद करें। आई नो, मैं जानता हूँ, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नो, इसे ज़रूर याद रखें आप। इसमें के और डब्ल्यू साइलेंट है, सिर्फ एन और ओ का आवाज़ आएगा। नो मतलब होता है जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो हिम हर, मैं उसे जानता हूँ। आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस तरह से और भी सेंटेंसेस आप जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। हैव अ नाइस डे, जाते समय आप जब जा रहे हैं तो बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। अगर आप रात में किसी से मिल रहे हैं और जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस ड्रीम, आपके सपने शुभ हों। हैव अ नाइस जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो। कोई कहीं जा रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। कॉमन सेंटेंस आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एज यू विश, जैसा आप चाहें, एज यू लाइक। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एज यू विश या एज यू लाइक, जैसा आप चाहें। एट एनी टाइम, कभी भी। एट एनी प्लेस, कहीं भी। एवरी थिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। कोई आपसे पूछ रहा है और बाकी सब कुछ कैसा है तो आप बोल सकते हैं एवरी थिंग इज़ फाइन। एवरी थिंग इज़ रॉन्ग, सब कुछ गलत है। नो मैंशन, कोई बात नहीं। इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट, इट्स राइट, ठीक है। नॉट येट, अभी नहीं। ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपसे किसी ने पूछा है खाना खा लिया आपने, आप बोल सकते हैं नॉट येट। आपने यह पिक्चर देख ली, नॉट येट। आपने एग्ज़ाम दे दिया, नॉट येट। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में, इसे ज़रूर याद रखें आप। नेक्स्ट है एनी अदर टाइम, फिर कभी। व्यक्ति में आपसे कह रहा है चलिए पिक्चर चलते हैं तो आप बोल सकते हैं नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं। नाउ मतलब होता है अभी, नॉट नाउ, अभी नहीं। एनी अदर टाइम, फिर कभी। रिपीट द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप हिंदी की जगह इंग्लिश में बोल सकते हैं रिपीट द
क्वेश्चन, आंसर बोलना है तो रिपीट द आंसर, रिपीट वंस मोर, एक बार फिर से बोले। नेक्स्ट पेज भी ले लेते हैं हम यहीं पर। कीप इट इन बैग, इसे बैग में रखो। कीप मतलब होता है रखना। कीप इट ऑन टेबल, इसे टेबल पर रखो। कीप द शूज आउटसाइड, बाहर रखो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। बी हैप्पी, खुश रहो। बी केयरफुल, सावधान रहो। बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्ते से सावधान रहो। यहाँ पर बी छूट गया, बी अवेयर, हाँ ठीक है करेक्ट। बी इन टच, संपर्क में रहो। आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर कॉल, आफ्टर ऑल आई हैव वन द मैच, मैं मैच जीत गया। ज़्यादा यूज होता है कॉमन वे में, एज यूजुअली ऐसे ही। यहाँ कैसे आना हुआ आपका, एज यूजुअली ऐसे ही। नथिंग मतलब कुछ नहीं। एट फर्स्ट सबसे पहले, और एट लास्ट लास्ट अंत में। फर्स्टली और लास्टली की जगह आप ये वर्ड यूज़ करें, एट फर्स्ट और एट लास्ट। ऑफ कोर्स बिल्कुल, क्या शाम को आप पार्टी में आएंगे? यस ऑफ कोर्स आई विल कम। वंस मोर एक बार, और स्टेप बाय स्टेप मतलब तरीके से। वन बाय वन मतलब एक एक करके। टाइम टू टाइम समय समय पर, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इन शब्दों का। यदि आप इन्हें अपनी भाषा में जगह देते हैं तो धीरे धीरे यह सेंटेंस आपका हिंदी बोलना बंद कर देंगे और आपका इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। स्लोली स्लोली धीरे धीरे। बाय मिस्टेक गलती से, आपने किसी को कॉल किया है तो आप बोल सकते हैं कि गलती से लग गया, बाय मिस्टेक। नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, अच्छा वर्ड है। इन माई ओपिनियन मेरी राय में, इसके आगे आप कुछ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर समय, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है मोस्ट ऑफ। राइट नाउ या जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी हाल। एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह। एंड सो ऑन या एक्सेट्रा जिसे हम कहते हैं, ETC इत्यादि, मतलब इसके अलावा भी और बहुत कुछ। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। माइंड योर बिजनेस, अपना काम करो। कोई आपको बीच बीच में परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं माइंड योर बिजनेस, तुम अपना काम करो। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। इस तरह से यदि आपके पास सभी तरह के वाक्य हैं तो उन्हें आपस में जोड़कर भाषा बनाने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, माइंड योर लैंग्वेज। कोई गलत बोल रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान संभालो। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। आप सिगरेट पीते हैं, नेवर। आप झूठ बोलते हैं, नेवर। इस एक शब्द में ही आप जवाब दे सकते हैं। कुछ अच्छे वर्ड हैं यहाँ पर। एक्सीलेंट, सभी का मीनिंग होता है बहुत अच्छा। एक्सीलेंट, सुपर्ब, फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास, वेल डन, A1, बहुत बढ़िया, सभी का एक ही मीनिंग है। ऐसे आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नॉट वेल, नॉट फाइन, ठीक नहीं। इंडीड या रियली, सचमुच, इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसे ज़रूर याद रखें आप। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट मतलब उसी समय या उसी जगह। कल पिकनिक पर कहाँ चलना है? ऑन द स्पॉट वी विल डिसाइड, हम उसी समय डिसाइड करेंगे। वन टाइम इन अ डे, दिन में एक बार। टू टाइम्स इन अ डे, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एक बार दो बार के लिए। डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो। राइट नाउ मतलब अभी या जस्ट नाउ भी आप बोल सकते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करो। डू इट स्लोली, धीरे से करो इसे। कीप डिस्टेंस, थोड़ी दूरी रखें। प्लीज ब्लो हॉर्न, कृपया हॉर्न बजाएं। आपने देखा होगा कई जगह पर गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ब्लो हॉर्न, ब्लो है ना बजाना। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दूं। लीव मतलब होता है छोड़ना। लीव के दो मीनिंग होते हैं, एक LIV ही होता है। LIV का मतलब होता है रहना। आई लिव इन महू, मैं महू में रहता हूँ। एक ये लीव है LEAVE, इसका मतलब होता है छोड़ना। तो लीव मी अलोन मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। लड़का है तो लीव हिम अलोन हो जाएगा, उसे अकेला छोड़ दो। लड़की के लिए हर, हमारे लिए अस, उनके लिए देम, एक से ज़्यादा लोगों के लिए देम का हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल ओवर योर बैड हैबिट, अपनी बुरी आदत पर कंट्रोल करो। हैबिट या हैबिट्स आप यूज़ कर सकते हैं। डू और डाई, करो या मरो। बाय चांस, बाय लक, किस्मत से। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया।
अब शांत रहो, बहुत हो गया। अदर देन दिस, इसके अलावा और कोई, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब। इस तरह से कुछ कॉमन मैंने मिक्स कर कर दिए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ नेगेटिव दिए हैं। नेगेटिव मैं बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया सिर्फ डोंट का यूज़ आपको करना है और आप सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज हम यहीं रुकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर आपकी मदद करेगा ये एक इंग्लिश भाषा की शुरुआत करने में। और इसी तरह के कुछ और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो अगले पार्ट्स को देखने के लिए या पिछले पार्ट्स को देखने के लिए आप डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखकर यूट्यूब पर मेरे चैनल में जाइए और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सम स्मॉल डेली लाइफ सेंटेंसेज और डे टू डे यूजेस नाम से जो मैंने एक लिस्ट बनाया है, उसमें स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और लाइन से यदि आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा, क्योंकि हर एक वीडियो का दूसरे वीडियो से लिंक होता है। तो जैसे ही आप पिछला वीडियो देखेंगे और आपको जो है उसी कनेक्टिविटी मिलेगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।